Subscribe now for more videos. मैं इस वक्त खलीज अल अरबी रोड पे खड़ा हूँ अबू धाबी में, और मेरे पीछे ये बस स्टॉप है। और आज तकरीबन कोई 2 साल के बाद मैं अबू धाबी बस सर्विस के ऊपर सफ़र करने वाला हूँ। अबू धाबी की बस के ऊपर 40 नंबर बस होगी, जिसके ऊपर मैं यहाँ से खलीज अल अरबी रोड से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तक जाऊँगा। उसके बाद पहले आप ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के बस स्टॉप पे उतर गया हूँ। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का बस स्टॉप है। ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर अबू धाबी के सबसे ऊंचे इमारत है, 91 फ्लोर है। अबू धाबी के लेक पार्क में बैठा हुआ मैं। ये सामने आपको ये नज़र आ रहा है लेक पार्क अबू धाबी। तो बस में ज़्यादा वीडियोस इसलिए नहीं बनाई क्योंकि बस के जो शीशे थे साइड में पे लगे हुए, उनके ऊपर काले रंग की जाली लगी हुई थी। वो तो जाली की वजह से बाहर का जो मंज़र था वो वाजे नज़र नहीं आ रहा था। हालांकि खलीज अल अरबी रोड से लेके यहाँ आने तक, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर तक आने तक, साइडों के ऊपर बहुत ही खूबसूरत मनाजर थे। अबू धाबी बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन उस काली जाली की वजह से वो शीशों में लगी हुई थी, उसकी वजह से वाजे नज़र नहीं आ रहा था कुछ, इसलिए मैंने बस के अंदर ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई है। तो बस के ऊपर सफ़र किया है तकरीबन को 2 साल के बाद यहाँ अबू धाबी में, तो बहुत अच्छा लगा है लोकल ट्रांसपोर्ट के ऊपर सफ़र करके। ये मैंने स्पेशल
इरादा तन किया है, हालांकि गाड़ी थी लेकिन बस पे मैं आया हूँ आज। इरादा था काफ़ी टाइम का, तो आज मैंने सोचा कि बस के ऊपर सफ़र करते हैं। हालांकि मुझे आधा घंटा इंतज़ार करना पड़ा है वहाँ बस स्टॉप के ऊपर खड़े होकर, लेकिन लोकल ट्रांसपोर्ट ऐसी होती है, सबको बताइए इस चीज़ का। तो बड़ा इन्जॉय किया उसको, बस एक चीज़ रह गई, ज़्यादा वीडियो नहीं बना सका मैं, उसकी वजह मैंने आपको बताई है। बाकी अभी मैं लेक पार्क में हूँ, तो लेक पार्क जो है ये कार्निश के साथ ही है, बड़ी खूबसूरत जगह है। काफ़ी दिनों के बाद यहाँ पे आया हूँ मैं, काफ़ी इन्जॉय किया है। किसे पूछूं है ऐसा क्यों, तेरे जुबान सा तेरे जहां है, खुशी के पल कहां ढूंढूं बेनिशान सा, वक्त की यहां है पल पल मैं कैसे सहता हूं, पल पल मैं खुद से ये कहता रहता हूं, क्योंकि तुम ही हो अब तुम अभी का लेक पार्क है, कार्निश लेक पार्क, बहुत ही खूबसूरत जगह है, यहाँ पे अक्सर मैं आता हूँ और इस बार मैं काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ, काफ़ी लंबा गैप था, आज मैं यहाँ पे आया हूँ काफ़ी दिनों के बाद।
अपने कर्म की करा।